आज का जो टॉपिक है इनकैप्सुलेशन, डेटा इनकैप्सुलेशन। उप्स में भी आप लोगों ने इनकैप्सुलेशन पढ़ा होगा, ये हम लोग आज नेटवर्किंग में पढ़ेंगे। नेटवर्किंग में भी इनकैप्सुलेशन का क्यों यूज़ करते हैं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आप लोग कैप्सूल खाते होंगे, कोई भी अगर बीमारियाँ किसी को हुई होगी या कोई बीमार बचपन में पड़े होंगे तो कैप्सूल आता है। कैप्सूल क्या होता है, उसके अंदर मेडिसिन होती है, वो इनकैप्सुलेट होता है, ढका हुआ होता है। तो जो अंदर में जो मेडिसिन है उसकी प्रॉपर्टी हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हाइड होता है। और भी बहुत सारा मेथड के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ के लिए हम लोग इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इग्नू के ब्लॉक्स का मैं यहाँ पे आज यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि नोट्स बहुत सिंपल सा इसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया है। जहाँ पे अच्छे से नहीं समझाता वहाँ पे मैं अपना नोट्स का यूज़ करता हूँ। इनकैप्सुलेशन क्या एक टेक्निक है, ठीक है, क्या एक टेक्निक है जो लेयर आर्किटेक्चर में या कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर जो होते हैं वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोग को पता है कि OSI लेयर में आप देख सकते हो, OSI लेयर में सेवन लेयर होते हैं, अलग अलग लेयर होते हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं सारे लेयर एक दूसरे से ऊपर से नीचे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। वी नो दैट ए लेयर सर्व्स द लेयर एवर इट एंड बिलो इट, ठीक है, ऊपर से और नीचे से सब लोग लेयर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इनकैप्सुलेशन भी यहाँ पे क्या करता है, सेंडिंग और रिसीविंग का काम करता है, डेटा, ठीक है, सारा खेल तो डेटा का ही है। तो ये क्या करते हैं, जो डेटा होती है लेयर में, ठीक है, जो भी लेयर में डेटा होती है उसके आगे में हेडर और पीछे में टेलर, ठीक है, आप देख सकते हो आगे में हेडर और पीछे में टेलर, तो ऐड करता है इनकैप्सुलेशन, ठीक है। वी ऐड सम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन हेडर स्लैश टेलर, ठीक है, टू डेटा यूनिट बाय कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अब जो ये हेडर और टेलर ऐड हो गया, ठीक है, हेडर और टेलर जो ऐड हो गया वो कहलाता क्या है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट PDU। दिस हेडर टेलर एक्चुअली क्रिएट एन इनवेलप, मैंने पहले ही बोला था, एक मतलब कि एक लेयर तैयार करता है, जैसे कि आप सिंपल एक कैप्सूल में भी एक लेयर होती है क्या, ठीक है, एक लिपटा हुआ होता है, इसे इनवेलप भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है डेटा, उसके अंदर में उसके ऊपर में एक लेयर चिपका हुआ होता है, एक इन्वेलप किया हुआ होता है, ठीक है, जो ओरिजिनल डेटा है, ठीक है, और जो ओरिजिनल डेटा है उसको ऐसे हाइड करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी किया जाता है। और वो जो मतलब कि इनकैप्सुलेट करके उसके आगे में हेडर और पीछे में टेलर लगा के उसे जहाँ जिस भी एड्रेस को भेजना होता है, उसका खुद का एड्रेस भी होता है और जिस भी एड्रेस को भेजना होता है उसे हम लोग भेज देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहीं पे, आप इस फिगर में यहाँ पे मेंशन करके बताया हुआ है, बहुत सारे लेयर है, लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3 है, लेयर N है, तो सबके आगे में हेडर और पीछे में टेलर लगाया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, फिर कहानी इसने इग्नू के ब्लॉक्स में देखे रखी हुई है कि दिस द लोएस्ट लेयर क्या होता है, OSI में फिजिकल लेयर विच ऑल्सो एट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, एज यू नो डेट फिजिकल लेयर इज द फाइनल एंड और बिगिनिंग फॉर एनी साइड ऑफ कम्युनिकेशन, इट कन्वर्ट PDU प्लस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इनटू सीरीज ऑफ बिट एंड सेंड इट अक्रॉस द केबल, और जो भी हमारे माध्यम होते हैं सेंड करने के कम्युनिकेशन मीडियम के द्वारा हम लोग भेजते हैं। तो अगर आप लोग को ये क्वेश्चन आता है तो सिंपल सा ये वाला डायग्राम को बनाना है और इस वाले डेफिनेशन को बस यहाँ से लेके इस वाले डेफिनेशन तक आप लोग को बस लिख देना है, बस सिंपल सा, ठीक है, इतना ही डेफिनेशन को लिखना है, इस वाले को फिगर बना लो। अक्सर शॉर्ट मार्क्स में पूछा जाता है इनकैप्सुलेशन क्या होते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होते हैं, लेयर्ड आर्किटेक्चर में हम लोग डेटा इनकैप्सुलेशन का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं। तो फिर से बता रहा हूँ, इनकैप्सुलेशन आप देखो, इनकैप्सुलेशन वी एड सम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ऑफ हेडर स्लैश टेलर टू डेटा यूनिट बाय कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये मेन डेफिनेशन है इसका, ठीक है। फिर द डेटा अलॉन्ग विद द हेडर टेलर इज नोन एज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट PDU, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये वाला, ठीक है। तो इतना आप लोग लिख दो, ठीक है, तो काफ़ी आसानी से पास कर जाओगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अक्सर शॉर्ट मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।